नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति पांडे। यहाँ आपको दिखाएंगे हर राज्य की बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और खबरों को शेयर और लाइक अवश्य करें। मंडोर के प्राचीन मंदिर से मां चामुंडा की मूर्ति चोरी, भड़के लोगों ने 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। जोधपुर के मंडोर स्थित एक प्राचीन मंदिर से मां चामुंडा की मूर्ति चोरी हो गई। बदमाशों ने मंदिर में गंदगी फैला दी। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जोधपुर शहर के पहाड़ी की टेकरी स्थित प्राचीन मंदिर से चामुंडा माता की मूर्ति गायब होने का मामला सामने आया। मंदिर के हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां किसी तरह की तोड़फोड़ भी की गई है। साथ ही बदमाशों ने मंदिर में गंदगी फैलाई। इसके अलावा एक काला कपड़ा भी वहां मिला। शनिवार सुबह जब भक्त दर्शन के लिए पहुंचे, वहां मूर्ति को न देखकर उनके होश उड़ गए। जानकारी मिलने पर मंडोर थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू करने के लिए टीम बनाई। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। क्षेत्रवासी प्रविंदर सिंह ने बताया कि मंदिर की पूजा का काम हुक्माराम माली देखते हैं। शुक्रवार शाम को पूजा करके गए थे, लेकिन शनिवार सुबह जब पहुंचे तो मूर्ति नहीं मिली। मंदिर में सोच कर गंदगी फैलाई गई है। क्षेत्रवासियों को इस घटना का पता चला तो देखते ही देखते मंदिर में लोगों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद मंडोर थाना पुलिस व अतिरिक्त जाप्ता पहाड़ी पर स्थित मंदिर में पहुंचा और वहीं ACP मंडोर पीयूष कविया की अगुवाई में ईश्वरी के खुलासे के लिए टीम बनाई गई। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुरातत्व विभाग के अधीन है मंदिर। मंदिर मंडोर किले के पास स्थित पहाड़ी पर बना है। बताया जा रहा कि यह मंदिर चौथी शताब्दी का है। स्थानीय लोगों का कहना है पुरातत्व विभाग की वजह से इस जर्जर मंदिर की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इस घटना से लोगों में आक्रोश है। जोधपुर से अभिषेक सेन की रिपोर्ट। क्या कर रहे हैं आप, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? सभी को ज्ञात है कि चामुंडा माता मंदिर प्रांगण मंडोर जो देवी की मूर्ति है, प्रतिमा है, वो चोरी हो गई है। चोरी हुई है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जिसमें पेशाब डाला गया, काले कपड़े डाले गए, मछलियाँ रखी गई है। ये सारा कुछ करके हिंदुओं की आस्था को कैसे खत्म किया जाए, उस चीज पे ये साफ करते किया गया है। इस उसी को लेके हम सब यहाँ 36 कौम के सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन को एक चेतावनी देते हैं कि अगर समय रहते हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और पुरातत्व विभाग ऑफिस जोधपुर के तुरंत प्रभाव से ताले लगाए जाएंगे और जोधपुर में इतना बड़ा आंदोलन होगा, सर्व समाज हिंदू समाज मिलकर एक आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और गवर्नमेंट की होगी। आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं? आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कम से कम 300 से 400 की संख्या में इकट्ठे हुए, और भी लोग आ रहे हैं, गाँव से भी आ रहे हैं, शहर से भी आ रहे हैं, जिनकी आस्था माँ से जुड़ी हुई सब भक्त यहाँ पधारेंगे। हिंदुओं को एक ठेस पहुंची है, उसी कारण सब लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रशासन के आला अधिकारी हमारे पास आ रहे हैं, बातचीत करेंगे, सारी जनता के बीच में उनको ज्ञापन दिया जाएगा। उस ज्ञापन में एक निश्चित समय दिया जाएगा, उस समय के अंतर्गत अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम परविंदर सिंह।